हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माविर कॉमर्स एकेडमी। हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंटिन्यू करेंगे। आज सेकंड टाइप के सम्स देखने। फर्स्ट टाइप के सम्स हमने कवर कर दिए, लेजर भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। सेकंड टाइप के सम्स भी इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल हम फॉलो करेंगे। ओके, तो आपके सामने होना चाहिए गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13। सर, सेकंड टाइप में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं, वही फंडा, एंट्रीज, ये सब क्लियर। बस क्वेश्चन पार्ट पार्ट में करना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिपिन। ए बी सी डी चार पार्ट दिए। पार्ट नंबर ए सबको अलग अलग सॉल्व करना है, और जैसा बोला वैसा करने का, खुद का कुछ भी नहीं करना है। हम लोग फिलहाल कौन है? बिपिन। सोनल्स एक्सेप्टेंस फॉर 3 मंथ्स ऑफ ₹20,000 वाज डिस्काउंटेड विद बैंक ऑफ इंडिया एट ₹19,750। तो ये कौन सी बात कर रहे हैं? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। तो बच्चे लोग, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक ए डायरेक्ट एंट्री पास करने का, डायरेक्टली से बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बोला है। तो एंट्री क्या आता है? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बच्चे लोग, बिल कितने का था? 20,000, बराबर है। हमने बैंक से डिस्काउंट में पैसा कितना लिया? 19,750। तो 250 क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। यस और नो स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरीवन? तो ये हो गया, सोनल एक्सेप्टेंस फॉर 3 मंथ ऑफ ₹20,000 वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक ऑफ इंडिया। तो मुद्दे का पार्ट, जो बोला वो करने का। तो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ओके बच्चे लोग, आगे ब्रिंदा एक्सेप्टेंस ऑफ 14,400 रिटायर 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। तो आपको पता है रिटायरमेंट ऑफ बिल समझते हो? ड्यू डेट के पहले पैसा देना, तो रिटायरमेंट ऑफ बिल डायरेक्टली उसकी एंट्री पास करो। बी का नंबर 1, बैंक बोलो कैश बोलो, 1 इन द सेम रॉन्ग नहीं मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितने का है? 14,400। अब तुमको स्मार्ट वर्क करना है। 14,400 रिबेट का परसेंटेज कितना दिया है? 12/100। और रिबेट का बच्चे लोग बिल का मंथ कितना? 1 मंथ। तो 1/12, तो 12 कैंसिल, 0 कैंसिल, आंसर कितना है? 144। सबको समझा? 0 कैंसिल, 12 कैंसिल, तो आंसर कितना है? 144। तो 14,400 में से 144 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 256, बराबर 14,256। मैं कंसेप्ट पे बिलीव करता हूं, माइनस प्लस तो आप कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं। क्या आएगा इधर? बराबर 14,256 माइनस किया 14,400 माइनस 144, तो आपका आंसर क्या है? 14,256। लास्ट समय वो जो 12.5% था, वहां मैंने थोड़ा कैलकुलेशन एरर किया, 750 लिखा है, आंसर आएगा 781। तो आपका उस सब में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खाली डिस्काउंट का अमाउंट कितना आएगा? 781, और उसको माइनस करके जो अमाउंट है बैंक में आएगा। वो थोड़ा एरर था, कंसेप्चुअली कोई एरर नहीं। ओके, आगे सी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? रेखा एक्सेप्टेंस ऑफ 8,500, ध्यान देना, इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ गायत्री। रेखा का जो बिल मुझे एक्सेप्टेंस मिला था, मैं कौन हूं? बिपिन। मैंने वो किसको एंडोर्स किया? गायत्री को, इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ₹8,650। सुनो, प्रैक्टिकली सोचो, मेरे पास से बिल जा रहा है, एंडोर्समेंट का केस, समझता है? यस और नो? तो और बिल किसको दे रहा हूं? गायत्री को। तो गायत्री अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। प्रैक्टिकली सोचो, बिल कितने का था बच्चे लोग? 8,500। पर मुझे गायत्री को देना कितना है? 8,650, बराबर। और इधर आगे लाइन लिखा है, क्या लाइन लिखा है? 8,650, सबको समझना है?
आगे क्या लिखा है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ अकाउंट, फुल सेटलमेंट मतलब हमेशा याद रखना डिस्काउंट, देना था 8650, दिया कितना 8500, तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान, गायत्री को मुझे देना था 8650, दिया 8500, तो मेरा 150 का फायदा हुआ, उसको क्या मैं बोलूंगा टू डिस्काउंट क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स। ये सब टाइप में फायदा क्या पता है, आपके सारे केस रिवाइज हो गए। देखो पहले में बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, दूसरा क्या था रिटायरमेंट ऑफ बिल, तीसरा क्या था एंडोर्समेंट ऑफ बिल, आपका फायदा देखो पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज हो रहा है। बी कॉन्फिडेंट, एकदम क्लियर, एकदम बातें क्लियर। डी वाला पार्ट क्या बोलता है, डी वाला पार्ट अच्छा है, डी वाला पार्ट काफी अच्छा है। देखो सोल्ड गुड्स टू विनया, सोल्ड का एंट्री आएगा सेल्स बोले तो, एट रुपीज 20,000 एट 8% TD। पहले तो इतना समझते हैं, एक आपके लिए आपके आइडिया के लिए 20,000 सबको समझता है, लेस 8% TD, 8% कितना आएगा, 20,000 का 8% 1,600 बराबर, आपके लिए पूरा वर्किंग ही कर लेता हूं अच्छे से, 20,000 लेस 8% TD डेट कम्स टू 1,600 सबको समझता है बराबर, 8% कितना होता है, माइनस करके आंसर कितना आया 18,400। आगे क्या बोला है, रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली ऑन विच 10% कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड, फॉर द बैलेंस अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन विनया विच वॉज एक्सेप्टेड बाई हर। अब ये तो बहुत बढ़िया एंट्री है, और इसमें दो एंट्री है, पहले तो सेल्स किया, सुन सुनो सेल्स कितने का था 20,000, पहले इतना समझो मेरी बात प्लीज ध्यान दो। टीडी आपको याद है, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, माइनस करके आंसर 18,400 है। अब उसने क्या बोला है, 50% दिया कैश और बाकी का 50% का बिल दिया, बिल तो फ्यूचर में दिया तो एक बार के लिए 50% को क्या मानेंगे हम क्रेडिट, तो 50% कितना आता है इधर 9,200, इधर भी कितना आएगा 9,200, ये वर्किंग नोट पेन है 9,200। अब आगे एक और पॉइंट लिखा है कैश डिस्काउंट, सो एक बात बताओ सीडी कैश डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आप पैसा दोगे तो सीडी इधर आएगा 920 दैट इज 0, 8, 12 में से 10, 2, 9 माइनस 1, 8, 2, 8, 0 और इधर सीडी नहीं आएगा, ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बच्चे लोग, इधर सीडी आया इधर सीडी नहीं आया, क्योंकि सीडी का डेफिनेशन क्या है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड व्हेन देयर इज इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश, व्हेन देयर इज इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश। तो अब एंट्री सेल्स का पास करना है, ये सेल्स करेंगे तो मुझे पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, ये इसको भूल जाओ, क्यों इसको भूल जाओ, बिकॉज टीडी इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो हमारे लिए सेल्स का अमाउंट कितना है 18,400, कैश कितना आया 8,280, डिस्काउंट डेबिट मेरा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 920, उधारी पे बेचा तो पार्टी का नाम विनया अकाउंट डेबिट 9,200 टू सेल्स अकाउंट, सबको समझता है फ्रेंड्स, यस और नो सबको, ये डी वाला पार्ट, ये तो डी वाले पार्ट में अगर एंट्री मुझे पास करना है, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट विनया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये सेल्स कितने का है 18,400, आपको ये समझता है, कैश कितना आया 8,280, डिस्काउंट कितना हुआ 920 और उधारी पे कितना गया 9,200, आपको ये बातें समझे। देखो इसे फिर से क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू विनया 20,000 एट 8% TD, इधर तक समझा, रिसीव हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली ऑन विच 10% CD वॉज अलाउड, CD कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कब मिलेगा, जब हम पैसा देंगे, पैसा देंगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बराबर है कि नहीं, तो आधे अमाउंट पे CD मिला क्योंकि आधा उधारी है और उधारी पे फॉर द बैलेंस फ्यूचर में क्या हुआ, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, तो उसमें एक और एंट्री क्या आएगा, बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड का बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विनया, पर बिल का अमाउंट कितना है, ऊपर देखो कितना अमाउंट है 9,200, तो पहले मैंने सेल्स का एंट्री बताया,
फिर मैंने बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, आगे बिल ऑनर डिसऑनर कुछ भी बोला नहीं। TD is never recorded in the books of account, इसलिए अमाउंट कितना है 18,400। CD is always recorded, but CD का एक रूल है, कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? When there is what? Immediate payment of cash. Okay? तो समझा, A B C D चारों पार्ट अलग अलग है, तो आपको भी चारों अलग अलग एंट्री पास करनी। ओके, तो क्वेश्चन 13 देखा, एक और देखते हैं क्वेश्चन 14, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, गिव जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मयूर। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मयूर, ये सम्स करने के फायदे ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके सारे केसेस रिवाइज होते हैं। तो मयूर में क्वेश्चन नंबर 14 आपके गवर्नमेंट टेस्ट बुक के हिसाब से पॉइंट नंबर ए, नंबर वन, विश्वास रिन्यूड इज एक्सेप्टेंस फॉर नितेश फॉर 24,000 बाय पेइंग रुपीज 22,000 इन कैश एंड एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस विद इंटरेस्ट 12। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोग कौन हो? मयूर हो। तो इधर विश्वास रिन्यू इज एक्सेप्टेंस टू नितेश, क्वेश्चन में रॉन्ग है। विश्वास रिन्यू इज एक्सेप्टेंस टू मयूर, क्वेश्चन में एक एरर है, वहां पे मयूर आएगा। वहां पे क्या आएगा? मयूर। ए रिन्यूअल ऑफ बिल, देखो आपका फिर से पूरा केस रिवाइज हो रहा है। रिन्यूअल ऑफ बिल, सबसे पहले आप रिन्यूअल में क्या करते हो? बिल कैंसिल, बिल कैंसिल बोलो या बिल डिसऑनर बोलो, वन एंड द सेम। तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, विश्वास रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस टू मयूर, तो ड्रॉवी कौन है? विश्वास ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर का अकाउंट, और किधर भी नहीं गया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल कितने का है? 22,000 का बिल है। सबको समझता है? सबसे पहले तो रिन्यूअल ऑफ बिल में सबसे पहले बिल को क्या करना है? कैंसल, कैंसल बोलो या डिसऑनर बोलो, वन एंड द सेम। Being bill renewed. इसमें क्वेश्चन में एरर है, नितेश नहीं आएगा, मयूर आएगा। By paying 12,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance with interest at 12% per annum for 2 months. तो मुझे एक बात बताओ, वही लॉजिक, इंटरेस्ट कैश के साथ आ रहा है कि बिल के साथ? बिल के साथ। तो पहले कैश, फिर इंटरेस्ट, फिर बिल। तो उसने हमको पैसा दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू विश्वास अकाउंट कितना लिखा है? बाय पेइंग 12,000 इन कैश, बराबर है। आगे क्या लिखा है बच्चों? मस्त है, पूरा रिन्यूअल का केस आ गया। एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस विद इंटरेस्ट, पर बिल के साथ इंटरेस्ट आ रहा है, तो पहले इंटरेस्ट का एंट्री आएगा। हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम, याद आया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो विश्वास अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, पर इंटरेस्ट कितने पे आएगा? 22,000, 12,000 के 10,000। तो याद करो, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अनपेड अमाउंट। तो 10,000 बराबर है 22,000 में से 12,000 दीजिए 10,000, और इंटरेस्ट रेट कितना है? 12/100, और बिल कितने का? 2 महीना, 2/12, 12/12 गया, 0/0 गया, तो आंसर कितना आया? 200। अब आगे क्या बोला है? आगे नया बिल बनेगा, तो नया बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड का एंट्री क्या आएगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विश्वास अकाउंट, यस और नो, कितना अमाउंट आएगा? 10,200। सबको इधर समझता है, 22,000 लेना था, 12,000 दे दिया, बचा 10,000 प्लस इंटरेस्ट 200, 10,200। आगे कुछ बोला है? बिल ऑनर डिसऑनर नहीं, तो अपने को भी कुछ करने का नहीं। स्टूडेंट्स क्या सम है यार? पहले ही पूरा रिन्यूअल का केस रिवाइज हो गया, पूरा रिन्यूअल का केस। पर पहले बिल रिन्यू किया, फिर पार्ट पेमेंट में कैश आया, फिर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, और फिर हमने नया बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट किया। अभी बी वाला पार्ट क्या स्टूडेंट्स? Each and everyone B वाला पार्ट देखते हैं।
डी वाले पार्ट में क्या बोला है, ऑनर अवर एक्सेप्टेंस टू अश्विन ऑफ 17,750 बाय एंडोर्सिंग हरी एक्सेप्टेंस ऑफ 17,500 इन फुल सेटलमेंट. क्या सम है यार, ऊपर हमने किया वैसे ही. फिर से पढ़ते, ऑनर अवर एक्सेप्टेंस, अवर एक्सेप्टेंस अश्विन को हमने जो एक्सेप्टेंस का उसको ऑनर किया बाय एंडोर्सिंग हरी एक्सेप्टेंस ऑफ 17,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. तो अपन कहीं ना कहीं अश्विन को पैसा दे रहे, तो अश्विन अकाउंट डेबिट अपने पास से बिल जा रहा है, याद आया कि नहीं. क्या लिखा है, एंडोर्सिंग हरी एक्सेप्टेंस ऑफ 17,500. ये हरी का जो एक्सेप्टेंस था वो हमने किसको दे दिया, अश्विन को दे दिया इन फुल सेटलमेंट. अभी मैंने बोला फुल सेटलमेंट मतलब बच्चे लोग क्या आएगा, डिस्काउंट. तो मुझे अश्विन को देना था 17,750, दिया कितना 17,500, तो बाकी का बचा वो क्या है, टू डिस्काउंट अकाउंट कितना 250. समझता है, अश्विन इज द रिसीवर, मेरे पास से बिल जा रहा है पर पैसा कम जा रहा है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तो डिस्काउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ए वाला समझा, बी वाला समझा, सी वाला क्या है, प्रकाश हु एक्सेप्टेड मयूर बिल ऑफ 21,000 वॉज डिक्लेयर इनसॉल्वेंट एंड ओनली 25% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर फ्रॉम स्टेट. अरे क्या सम है यार, अब इनसॉल्वेंसी का केस आ गया. सोचो यार क्या मजा रहा है, पर खतरा याद रखना, इनसॉल्वेंसी में सबसे पहले बिल क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर. हम लोग कौन है, मयूर. तो देखो क्या लिखा है, प्रकाश हु एक्सेप्टेड मयूर बिल फॉर 21,000 वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट. कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कैश अकाउंट, बैंक डेब्ट अकाउंट टू ये प्रकाश लिखेंगे, पर सबसे पहले रिन्यूअल और इंसॉल्वेंसी में बिल डिसऑनर का एंट्री आएगा. तो बिल डिसऑनर का एंट्री क्या आएगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट. तो प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. बच्चे लोग बिल कितने का था, 21,000. सबको समझता है इधर तक. आगे क्या आएगा याद करो, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू प्रकाश अकाउंट, यस और नो. प्रकाश डेबिट 21,000 से, तो क्रेडिट भी 21,000 से. उसने कितना पैसा दिया, 25 पैसे. तो 21,000 का 25% अपने को मिला, और बाकी का 75% क्या हो गया, बैड डेब्ट्स. और 25% कितना आएगा, 4,250. आप भी कैलकुलेट करते रहना. देखो 21,000 का 20% कितना होता है, 4,200. और 2,100 का आधा कितना होता है, 1,050. तो 4,200 प्लस 1,050 कितना हो जाएगा, 5,250. और माइनस करके 15,750 आपका क्या हो गया, बैड डेब्ट. उसने क्या बोला है, 25 पैसे या 25% कुड बी रिकवर. लेना था 21,000, उसका 25% कितना हो गया, 5,250. सबको समझता है, आपका रिवाइज हो रहा है. पहले में क्या आ गया, नॉर्मल बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फिर रिन्यूअल, समझा. दूसरे में क्या आ गया, एंडोर्समेंट. तीसरे में क्या आ गया, इनसॉल्वेंसी. सब सारे केसेस फिर से रिवाइज हो रहे. चौथा क्या बोला है, बैंक इन्फॉर्म्ड अस दैट सैलाजा एक्सेप्टेंस फॉर 32,000 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन हैड बीन डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस वेर 275. सबसे पहले आराम से सोचने का, कौन सा केस है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन. अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर हुआ, तो डिसऑनर का अपना ट्रिक है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर का अकाउंट. इस केस में ड्रॉवी कौन है, सैलाजा. अकाउंट डेबिट टू बिल किधर गया, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू कैश. ये टू कैश क्यों आया, नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय द ओनर ऑफ द बिल एंड विल बी रिकवर फ्रॉम द प्रीवियस ओनर. तो एंट्री क्या बना, सैलाजा अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू कैश. बिल सेंड फॉर कलेक्शन में बिल का अमाउंट कितना है, 32,000. कैश कितना है, 275. तो सैलाजा अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 32,275. यस और नो फ्रेंड्स, यस और नो. दो सम हमने कर लिए अच्छे वाले. लास्ट वाला एंट्री क्या आएगा, फिर से बोलो, सैलाजा अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू कैश.
बिल सेंड फॉर कलेक्शन में कितना आएगा 32,000 और कैश में कितना आएगा 275 और दोनों मिला के कितना आएगा 32,275 और लास्ट में तुमको क्या करना है टोटल करना है। नरेशन क्या लिखेंगे बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाज डिसऑनर। नरेशन मतलब जो केसेस में मैंने पर्टिकुलर्स में लिखाया वही आपका बच्चे लोग क्या है नरेशन। यस ऑर नो। कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए ताकि आपके दोनों सब में ऑलमोस्ट सारे केस आ गए। बिल डिस्काउंट भी आ गया, रिटायरमेंट भी आ गया, रिन्यूअल भी आ गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन भी आ गया, इंसॉल्वेंसी भी आ गया, एंडोर्समेंट भी आ गया। कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए फिर तो जितना प्रैक्टिस करो पर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स 13 सम देखा हमने, 14 देखा, अब 15 देखते हैं। सर इतने सारे सम, अरे देखते ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप सोचो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ आदित्य। आप भी सोचो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आदित्य। कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, मेरे से पहले आपको सोचना चाहिए। ओके पॉइंट नंबर ए का फिर से हम सॉल्व करते हैं। बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया सूर्य एक्सेप्टेंस ऑफ 15,750 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन हैड बीन ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड 150। पहले तो सोचने का बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या हुआ है बच्चे लोग, ऑनर। ऑनर मतलब पैसा आया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन ऑनर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो डेबिट हुआ था अब वो क्या हो जाएगा क्रेडिट, और बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि हमको ऑनर हुआ तो पैसा आया। पर बिल कितने का था, एक्सेप्टेंस ऑफ 15,750, धोखा नहीं खाने का। बिल कितने का है 15,750। अब बैंक ने चार्जेस लिया हमसे, कितना चार्जेस लिया अपने से बैंक ने चार्ज लिया, कितना लिया 150। तो सर डेबिट क्यों किया, ये बैंक हमसे चार्ज लेगा तो बैंक डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इतना काट के उसने मुझे पैसा कितना दिया 15,600। बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या हो गया, ऑनर। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, पर बैंक ने कुछ चार्जेस रखा मतलब मुझे काट के पैसा दिया, और बैंक चार्जेस मेरे लिए क्या है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। Being bill sent for collection was honored and bank charges paid. एकदम फ्लो में जाने का। बी वाला क्या है? आशा informs आदित्य, हम लोग कौन है आदित्य, आशा ने मुझे बताया कि निशा एक्सेप्टेंस 23,000 endorsed to Asha has been dishonored, noting charges paid by Asha amounted to ₹330। याद है एंडोर्समेंट का केस, बिल एंडोर्स क्या हो गया डिसऑनर, आता है कि नहीं आता। आशा ने हमको बताया निशा का बिल डिसऑनर, तो हमको क्या करने का है, ड्रॉवी कौन है निशा, निशा अकाउंट डेबिट, मैंने मेरे बुक में निशा को क्या बनाया डेटर, और डेटर से पैसा लेना है, क्रेडिटर को पैसा देना है। याद रखना भले नोटिंग चार्जेस है पर इधर टू कैश नहीं आएगा, नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय द ओनर ऑफ द बिल एंड विल बी रिकवर फ्रॉम द प्रीवियस ओनर। बराबर है, तो टू आशा बिल कितना था 23,000 और नोटिंग चार्जेस 330, 23,330, 23,330, यस और नो स्टूडेंट्स, यस और नो, यस ओके। बी वाला पार्ट में डायरेक्टली बिल क्या हो गया डिसऑनर, एंडोर्स बिल डिसऑनर, याद आया ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया, बिल किधर गया एंडोर्सी के पास गया। कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, एकदम परफेक्ट, बीओई तो मुंह जबानी, लॉजिक से करने का। सी वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं, बैंक इन्फॉर्म दैट जयदीप एक्सेप्टेंस ऑफ 32,400 व्हिच वाज डिस्काउंटेड विद बैंक वाज डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस पे अभी रटा रटा आया है। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक क्या हो गया डिसऑनर। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी कौन है जयदीप, जयदीप अकाउंट डेबिट टू बिल किधर गया है बैंक के पास,
ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर का अकाउंट 32,400 प्लस 480 32,860। डी वाला पार्ट। सो हम लोग कौन है? आदित्य। श्रीकांत एक्सेप्टेंस ऑफ 19,800 वॉज ऑनर विच वॉज डिपोजिटेड विद बैंक फॉर कलेक्शन। तो इजी, बिल ऑनर, बैंक बैंक फॉर बैंक अकाउंट डेबिट, सेम फर्स्ट वाला, या बैंक चार्जेस है या बैंक चार्जेस नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 19,800। हमने 13 भी देख लिया, आपके सामने है बच्चे लोग, टोटल कर देना है डेबिट और क्रेडिट, आपके सामने कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, फ्लो को फॉलो कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, फ्लो को फॉलो करो। तीन सम हमने देख लिए, एंडोर्समेंट वाले केस में, रिटायरमेंट, सब कुछ, सारे केस आ गए, ये सेकेंड टाइप के सम्स है। ओके, एक और सम रीड करते हैं, 20th सम। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अरविंद एज ऑन 24th October 2019। डेट दिया हुआ, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अरविंद। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अरविंद, सबको समझता है, अरविंद के बुक में हमको जर्नल एंट्री पास करना है। ए वाला, रिन्यूड साईनाथ एक्सेप्टेंस ऑफ 18,000 विथ इंटरेस्ट ऑफ 380 फॉर 3 मंथ्स। ए रिन्यूअल ऑफ बिल, साईनाथ का एक्सेप्टेंस, आपको पहले तो समझना चाहिए, रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल में सबसे पहले क्या करना है, बिल डिसऑर्डर करना है। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी कौन है? साईनाथ। साईनाथ अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर का अकाउंट 18,000। तो याद रखना, धोखा नहीं खाने का, रिन्यूअल ऑफ बिल में सबसे पहले बिल क्या होएगा? डिसऑनर्ड। बराबर है? ओके, आगे आगे क्या लिखा है स्टूडेंट्स? विथ इंटरेस्ट 380 फॉर 2 मंथ्स। ये मतलब पार्ट पेमेंट में कैश नहीं है, इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री क्या आएगा? साईनाथ अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यस और नो? कितना अमाउंट है बच्चे लोग? 380 फॉर 2 मंथ्स। नया बिल बना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू साईनाथ अकाउंट बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड 18,380। अब तो तुमको ऐसा लग रहा है, सर आप क्यों कर रहे, एकदम फ्लो में जा रहा है, एकदम आसान। बी वाला पार्ट, साहिल इन्फॉर्म्स अरविंद, हम लोग अरविंद है, हम लोग कौन है? अरविंद। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अरविंद एज ऑन 20, डेट दिया बच्चे लोग, सॉरी, तो आपको डेट लिखना है 24th October, और इधर भी क्या आएगा 24th October, और ऊपर आप 2019 लिख सकते हो। बी वाला पार्ट क्या बोला है? साहिल इन्फॉर्म अरविंद दैट मीनल एक्सेप्टेंस ऑफ 13,000 एंडोर्स टू साहिल वॉज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड 195। आपको बोर होएगा, सेम का सेम एंट्री आ रहा है। क्या बोला है साहिल ने? अरविंद हमको बोला कि मीनल एक्सेप्टेंस जो तूने मुझे दिया था वो डिसऑन हुआ। तो ड्रॉवी कौन है? मीनल। तो मीनल अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर का अकाउंट, मीनल अकाउंट डेबिट टू साहिल अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा? 13,195। नोटिंग चार्जेस टू कैश अलग से हम बताने वाले नहीं है, एकदम इजी। सी वाला पार्ट, एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 16,400 एट 2 मंथ्स ड्रॉन ऑन चांद एंड सन फॉर द अमाउंट ड्यू टू देम एंड बैलेंस पेड इन कैश। ये अच्छा है, सुनो थोड़ा ध्यान से। एक्सेप्टेड, हमने एक्सेप्ट किया बिल ऑफ 16,400 एट 2 मंथ्स ड्रॉन ऑन चांद एंड सन फॉर द अमाउंट ड्यू टू देम, फॉर द अमाउंट ड्यू टू देम एंड बैलेंस पेड इन कैश। आपको समझ रहे उल्टा क्यों? एक्सेप्टेड, फिर से पढ़ो, बिल ऑफ 16,400 एट 2 मंथ्स ड्रॉन, हमने ड्रॉन ऑन चांद एंड सन फॉर द अमाउंट ड्यू टू देम, अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम नहीं, अमाउंट ड्यू टू देम,
वर्डिंग्स तो सुनो, हमको उनको देना है एंड बैलेंस पेड इन कैश। ये तो बिल ड्रॉ ने एक्सेप्टेड का एंट्री किया था बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, बराबर। पर ड्रॉवी के बुक में क्या आएगा? ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल, बराबर है। तो हमारे लिए ये चांद एंड सन कौन है? ड्रॉवर। तो चांद एंड सन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। ए हमको देना कितना था? इधर इधर एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 16,400, एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 16,400। तो बिल कितने का था? 16,400। पर टोटल हमको उनको देना कितना था? 19,000। तो 19,000 माइनस 16,400, तो आंसर कितना आया? 2,600। सर आपको कैसे पता चला? इधर उल्टा, इधर सुनो फिर से। हमने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 16,400 टू मंथ्स ड्रॉन ऑन चांद एंड सन फॉर द अमाउंट ड्यू टू धैम, अमाउंट ड्यू फ्रॉम धैम नहीं, हमको उनका अमाउंट देना है और हमने बिल ड्रॉन एक्सेप्ट किया। तो मैं ड्रॉवी हुआ तो मेरे लिए क्या आएगा? बिल्स पेबल। और बैलेंस के लिए मैंने क्या किया? उनको कैश दिया, देना था 19,000, बिल कितने का है? 16,400। और बैलेंस के लिए मैंने उनको टू कैश दिया। डी वाला पॉइंट, बैंक इन्फॉर्म दैट विद देयर एक्सेप्टेंस ऑफ 14,000 व्हिच वाज डिस्काउंटेड वाज डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस। पहले तो सिंपल बोलो, बिल डिसऑनर हुआ, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर, तो ड्रॉवी कौन है? ड्रॉवी कौन है? विद्या अकाउंट डेबिट टू बैंक 14,105, समझता है? सेम रटा रटाया एंट्री बच्चे लोग, क्या आएगा? ड्रॉवी, विद्या अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सबको समझता है? वही रटा रटाया एंट्री 14,105, बराबर है। और क्या बोला आगे? रिन्यूड बिल ऑफ विद्या रिक्वेस्ट फॉर टू मंथ विथ इंटरेस्ट। तो पहले क्या करोगे? इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री, विद्या टू इंटरेस्ट कितना? 295। फिर नया बिल बनाओ, बिल रिसीवेबल टू विद्या, सबको समझता है वो रटा रटा एंट्री, तो भी कर देता हूं मैं आपके लिए, विद्या अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, विद्या अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना इंटरेस्ट है बच्चे लोग बोलो? विद्या अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 295। अब नया बिल बनेगा, बिंग बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड बिल रिसीवेबल टू विद्या, इसलिए मैं नहीं कर रहा था 14,100, 14,200, 300, 14,400। स्टूडेंट्स यस और नो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, हाँ के ना, ईच एंड एवरी वन यस और नो, सबको समझा मेरे से पहले, तो मुझे लग रहा आपने सोच लिया है। चार सम कराए सेकेंड टाइप पे। अब बीओई में मेरा बाकी क्या है? परफॉर्मा, परफॉर्मा कुछ परफॉर्मा बनाना है, 5 मार्क का परफॉर्मा आएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझाओ अच्छे से, पूरा गवर्नमेंट टेस्ट बुक ऑलमोस्ट मैंने कवर किया है, कुछ सम्स जो मैंने छोड़ दिए वो आप देख सकते हो, वो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ओके बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।